सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरबीओ यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो अलजेब्रिक डिवीजन सीरीज का 5th पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक हम ट्राइनोमियल को बाइनोमियल टर्म से डिवाइड करेंगे। हिंदी में अगर बोले तो एक 3 पदीय व्यंजक को 2 पदीय व्यंजक से भाग कैसे करेंगे, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आप साथ ही साथ मुझे बताइएगा लास्ट में कि कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर ये हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय या बाइनोमियल टर्म्स। जी, एक 3 पदीय टर्म को 2 पदीय टर्म से भाग देंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x+2। अब देखो, 1, 2, 3, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। 1, 2, इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। मतलब एक 3 पदीय व्यंजक से 2 पदीय व्यंजक से भाग करेंगे। चलो फिर करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है। देखिए, अभी ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 है, ये डिविडेंड है हमारा, तो ये ब्रैकेट के हमारा इनसाइड रहेगा, इस ऊपर कोशियंट होगा, और ये एक्स माइनस 1 डिवाइजर है, ये बाहर रहेगा। अब देखो करते कैसे हैं। ये जो हमारा डिविडेंड होता है, इसका पहला टर्म लेते हैं जो कि हमारा एक्स स्क्वायर है। ये जो डिवाइजर होता है, इसका दूसरा टर्म लेते हैं और इसमें भाग कर देते हैं, मतलब एक्स से हम भाग कर देंगे, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो 2 पावर में से 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बचेगा एक्स। यही जो एक्स होगा, यही हमारा क्या होगा? कोशियंट। वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और इसमें मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। किसमें? एक्स माइनस 1 में हम इसी कोशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा माइनस एक्स। देखो, वैसे तो ये आएगा माइनस 1x, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि 1 x जाए एक्स ही होगा। अब इसको हम इसके नीचे राइट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर। तो यहाँ पर क्या है कि अब सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन होने के लिए सबके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो, प्लस एक्स है और माइनस 3x है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लेते हैं, 3 बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, 3x में से 1x माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा। अब हम ये वाला टर्म राइट कर लेंगे प्लस 2। ठीक है, हमारे पास नया डिविडेंड आ गया, तो ये नया टर्म लेंगे माइनस 2x, और इस नए टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से माइनस डिवाइड करेंगे, यानी कि हम एक्स से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? एक्स से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर देखो, इस एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा, और उस माइनस 2 से हम इस एक्स माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 2x, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 2। वो हम यहां पे राइट कर लेंगे, 2x माइनस 2। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन भी रहेगा। देखो, यहाँ पे माइनस साइन आया तो माइनस भी रहेगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो साइन थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखो, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन को बदलते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ये कितना है? माइनस 2। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हुआ, सो क्वोशिएंट इज एक्स माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। वैसे सभी क्वेश्चन में आपको क्वोशिएंट रिमाइंडर लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे जान लीजिए जिस क्वेश्चन में बोलता है कि राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, उसी क्वेश्चन में आपको राइट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, आप वीडियो में पीछे जाके इसको राइट कर लेना। तो अभी देखो, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें जो हमारा डिवाइजर है वो है 2x² - 11x+12, और जो डिवाइजर है वो है x-4। डिविडेंड कितना है इस क्वेश्चन में? 2x² - 11x+12, डिवाइजर कितना है? x-4। इधर हमारा आ जाएगा क्वेशियंट। अब देखो,
सबसे पहले हमें चुनना होता है कि वो कौन सा नंबर होगा जिसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर 2x² है, डिविडेंड का पहला टर्म यहाँ पे राइट करेंगे और इस पहले टर्म में डिवाइजर के पहले टर्म से हम डिवाइड करेंगे, तो इसे कट जाएगा, आएगा 2x, यानी कि सबसे पहले जो क्वोशेंट होगा वो होगा 2x और इसी 2x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2x x माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 24 जा 8x, कितना हो जाएगा 24 जा 8x। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 8x। आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में साइन बदल जाते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, और ये 2x² प्लस और 2x² माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि साइन डिफरेंट है। देखो ये प्लस 8 है और ये माइनस 11 है, साइन बड़े नंबर के लेंगे यानी कि माइनस 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3x प्लस 12, अगला टर्म राइट कर लेंगे। अब फिर से ये हमारे पास नया डिविडेंड बना जो कि है माइनस 3x, और इस नए डिविडेंड में फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से भाग करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, आएगा माइनस 3, यानी कि ये हमारा फिर से कोशेंट बन गया, और इस माइनस 3 में पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 3x और ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4, 3 जा 12, इसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे माइनस 3x प्लस 12। अब क्या होगा, देखो सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन पहले बदल जाएंगे, ये माइनस था प्लस हो जाएगा और प्लस था माइनस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। सो यहां से जो क्वाशियंट आएगा वो आ जाएगा 2x माइनस 3 और जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 0, और इस वीडियो का हमारा या फिर इस क्वेश्चन का हमारा ये होगा आंसर। ठीक है, अब देखो ये चीजें आप बाद में वीडियो को पीछे करके देख लेना, ये रफ वाला वर्क है। तो ये हमारा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स, आप इसको या तो राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिला होगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को जरा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।